أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. एक और मनंतर सुनवा। अजीजाने गिरामी, अजीजाने ईमानी, बिरादराने इस्लामी, कुरान हकीम की इन दो आयतों की रोशनी में हमारा वो सफ़र जारी है जो हमें रोज़ाना कम से कम एक कदम करबला से नज़दीक कर देता है। ये सफ़र मामूली सफ़र नहीं है। ये मुहर्रमुल हराम की मजलिस हैं और इसमें इखलास के साथ आपकी शिरकत, ये आपको उस मंजिल से नज़दीक करती है जो मंजिल इस कायनात में उससे ज़्यादा बुलंदतर मंजिल और अर्शे इलाही से करीब तर कोई और मंजिल नहीं। इस आलम नासूत में रहते हुए, इस आलम मुल्क में रहते हुए मलकूत से नज़दीक तरीन कोई मंजिल है वो करबला है। हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत से हजरात मेरे इस जुमले को समझ नहीं पाएंगे जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। बहुत से हजरात ये कहेंगे कि इसमें मुबालगा है, महज अकीदत मंदी है, ज़ाती अकीदा है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस वक्त मैं किसी मुनाजरे की मंजिल में नहीं हूँ। मेरी इल्तिमास ये है कि इल्मी अंदाज से मसाइल को समझने की कोशिश की जाए। ज़िक्र हुसैन सुने तो सही, ज़िक्र हुसैन बीमार दिलों की शिफा है। ज़िक्र हुसैन तारीक ज़हनों की जिला है। ये ज़िक्र हुसैन है जो बताएगा कि इस्लाम क्या है, तौहीद क्या है,
आदिल क्या है, नबूवत क्या है, इमामत क्या है, आखिरत क्या है, ये जिक्र हुसैन है जो बताएगा हमारी नमाज में कैसा इखलास होना चाहिए। ये जिक्र हुसैन है जो बताएगा कि असलन दूसरी तमाम इबादतों में इखलास का मर्तबा कैसा होना चाहिए। जिक्र हुसैन है जो हमें आम सी इबादत से बुलंद करके नुसुक तक पहुंचाएगा। ये जो इस आयत में है, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, मैं अर्ज कर चुका हूं कि लफ्ज सलात के मफहूम को भी अदा करने के लिए एक लफ्ज कोई हमारे पास नहीं है, मुतरादिफ जिसे कहते हैं, और नुसुक के लिए उससे ज्यादा मुश्किल है। नुसुक इसी रूट वर्ड से नसीका लफ्ज है। चांदी जब निकलती है जमीन से, मादिन से, कान से, और उसमें बहुत से दूसरे मादनियात शामिल होते हैं, बहुत सी चीज़ें मिली होती, जब उसको साफ करके खालिस चांदी बनाई जाती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं नसीका। इसी तरह जितनी भी इबादतें हैं जब वो खुलूस के प्रोसेस से गुजर के बुलंद तरीन मंजिल तक पहुंचती हैं तो मनासिक कहलाती हैं। लफ्ज़ मनासिक, मनसक, मनासिक, ये कुरान मजीद में तरह तरह से आया है ये कलेमा। और जो लोग हज पे जाते हैं बतौर खास, वहां अरकानों अज़ाए हज को मनासिक हज कहते हैं। ये लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ? मनासिक जमा है मनसक की। अब हज में सिर्फ नमाज तो है नहीं, अरकान हज के तौर पर तो नमाज बहुत मुख्तसर सी है। ये पंच वक्ता जो नमाजें हैं ना, ये तो अपनी जगह है, मगर हज में कई रकात नमाज वाजिब है बताइए। नहीं, इतना आपको मालूम है, आप खामोश हैं, आप बता नहीं रहे हैं, एक आदाब मजलिसी है, वह इतना तो मालूम है आपको, एक सलावत पढ़ दीजिए मुहम्मद। देखिए हज में और नमाज में बहुत से फर्क हैं, बज़ाहिर जौहर में दोनों एक हैं। ये जो आप दो रकात नमाज पढ़ते हैं और वो जो आप दो तीन दिन, चार दिन या पांच दिन हज में गुजारते हैं, दोनों अपने जौहर में एक हैं, हकीकत में एक हैं, ज़ाहरी तौर पर दोनों में बहुत से अख्तिलाफात हैं। फिक नमाज के हुदूद को बयान करने का मुतकफ़िल है, इल्म फिक और फकी। हज के ज़ाहरी अहकाम बयान करने का मुतकफ़िल है, यानी जिम्मेदार है फकी और इल्म फिक। ये इरफान है जो बताता है कि दोनों में दाखिली वहदत कैसी है। ये इल्म इरफान का दायरा है जो ये बताता है कि नमाज में और हज में, नमाज में और रोजे में, नमाज में और एतिकाफ में, इन सब में ये जितनी इबादतें इनमें वहदत का रिश्ता है, रूह एक है, हकीकत एक है, मगर जाहिरी शक्लें अलग अलग हैं। तो बहरहाल नमाज में ज्यादातर कुछ कहना है, तकबीर कहनी है, उसके बाद क़याम की हालत में क़िरात करनी है, रुकू में झुके उसके बाद वहां भी जिक्र करना है, रुकू से उठे फिर कुछ जिक्र मुस्तहब सही करना है, फिर सजदे में गए वहां जिक्र करना है,
सजदे से उठे तो सजदों के दरमियान जिक्र है, इस्तगफार है, सनाए इलाही है, फिर सजदा है, फिर उठे, फिर खड़े हो, हर हालत में जिक्र है और ज्यादातर वाजिब और उसके बाद मुस्तहब। हज में कहना कम है, करना ज्यादा है। कहने का अंसुर बहुत कम है हज में। क्या चीजें पढ़ना वाजिब है बताइए? एक तलबिया वाजिब है, जिस वक्त एहराम बांध रहे हो, नियत एहराम का बांधना और तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये वाजिब है। और उसके बाद क्या वाजिब है? सब मुस्तहब है। अरफात की दुआएं सब मुस्तहब, मुज़दलिफा में जिक्र सब मुस्तहब, मिना में जिक्र सब मुस्तहब, तवाफ की हालत में जिक्र सब मुस्तहब, सही की हालत में जिक्र सब मुस्तहब, सिर्फ तवाफ के बाद दो रकात नमाज, नमाज तवाफ वाजिब है। तो गोया हज में नमाज दो रकात, पांच वक्त की नमाजें तो आप पढ़ेंगे, वो अपनी जगह वाजिब है। आप हज के हालत में हो या ना हो, नमाज पांच वक्त की अपनी जगह। लेकिन हज में ये दो रकात नमाज तवाफ के अलावा क्या है? खुद तवाफ करना है, सही करनी है, कुर्बानी करनी है, रमी जमारात करना है, तवज्जो है, अरफात में जाना है, कयाम करना है, मुज़दलिफा में कयाम करना है, यानी नमाज में कहना है, हज में करना है, और वो भी उस इखलास के साथ कि इन तमाम अमाल का नाम मनासिक रखा गया, खुलूस के साथ रास्ता चल रहे हैं, खुलूस के साथ कयाम है। भाई अरफात में बैठे हैं किस लिए? मौला का हुक्म है बैठे, अल्लाह सुभानहु व तआला का हुक्म है बैठे। ये क्या कर रहे हैं? तीन सुतून है, इन्हें जाके कंकरियां मार रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? जो हजरात हर चीज को अपनी जाहिरी सतही अक्ल अमली से जस्टिफाई करना चाहते हैं, जाहिरी सतही अक्ल अमली से साबित करना चाहते हैं कि इसमें यह हिकमत है, इसमें यह हिकमत है, इसमें यह हिकमत है, ये कोशिशें ना करें। हमारे तमाम अमाल और वजायफ की हिकमत बस एक होनी चाहिए, मौला का हुक्म है और हमें करना है। इस ये करने से हमें क्या फायदा होगा? इसका मतलब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लोग पूछते हैं इसमें हमारा क्या फायदा है, इंसान का क्या फायदा है? बशर हर अमल में इंसान के लिए फवायद हैं, और एक नहीं एक से ज्यादा तह दर तह हिकमतें और मसलहतें हैं, मगर हमें अपनी नीयत इतनी खालिस रखनी है कि उसने फरमा दिया है तो बस। हर चीज की इल्लत शरियात में इबादात में बतौर खास जब भी क्यों का सवाल हो, नमाज क्यों पढ़नी है? हुक्म मौला है इसलिए पढ़नी है। रोजा क्यों रखना है? बहुत से लोग हर साल माह रमजान मुबारक से पहले माशाल्लाह मकाले छपना शुरू हो जाते हैं, साइंसदानों ने ये फायदे बताए हैं भूखे रहने के, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। ए सुभान अल्लाह, क्या फिरासत दीनी है। रोजा रखना है इसलिए कि हक सुभान हुआ ताला ने कहा है रोजा रखो, रोजा रख रहे हैं। अगर साइंसदान ने वाजिब किए होते रोजे तो आप साइंसदान से पूछते हैं कि रोजे के फवायद क्या हैं? आपका बहैसियत मोमिन, गौर कीजिएगा जो अर्ज कर रहा हूं, बहैसियत मोमिन ईमान लाए हैं ना, قال اللہ قال رسول اللہ پر ایمان لائیں تو بحیثیت مومن ہر وائی کا جواب ہر کیوں کا جواب صرف ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے، حکم مولا ہے
हमें ये काम अंजाम देना। ये दो पहाड़ियों के दरमियान किस लिए चल रहे हैं? कुछ देर तक तो सुकून से चलते हैं, कुछ देर तक इस तरह चलते हैं कि जैसे हरवाड़ा जिसे कहते हैं, एक खास अंदाज से। ये क्या अंदाज है? ये जुनून है, दीवानगी है। हाँ, जुनून है और दीवानगी है, लेकिन बड़ी मारिफत के साथ। इश्क इलाही है, हुक्म इलाही के आगे सर तस्लीम। तो ये तीन दिन या चार दिन या पांच दिन जो हज में गुजारते हैं आप, मनासिक हज, इसमें एक कुर्बानी है, लेकिन मनासिक हज में एहराम बांधने से लेकर और इख्तिताम तक, ज़ियारत वदा तक और तवाफ वदा तक, सब अरकान व अज्ज़ा मनासिक हज कहलाते हैं, और उसमें तकरीबन जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज शामिल हो जाती हैं। सोना भी है, जागना भी है, और कयाम भी है, और सफर भी है। ये कहलाते हैं मनासिक। इस मनासिक के मफहूम को और आम करें, जिंदगी का हर अमल शामिल मनासिक हो सकता है। और अगर ये मनासिक हक सुबहानहु व तआला के लिए खालिसतन हो, यानी मसलन आप मजलिस में तशरीफ लाए हैं, मजलिस में तशरीफ लाने का हदफ व मकसद बस यही हो कि हम खुदा की खातिर मजलिस हुसैन में जा रहे हैं, और बस कोई मसलहत ना हो, कोई और मसला। मजलिस में जाएंगे तो फलां से मुलाकात हो जाएगी, एक सोशल गैदरिंग हो जाएगी, सलाम अलैक हो जाएगी, हम इनके यहाँ मजलिस में नहीं जाएंगे, उनके यहाँ मजलिस में जाएंगे, उनसे हमारे ताल्लुकात ज़्यादा हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात कम। तो आप इनकी उनकी मजलिस में जाइएगा तो ताल्लुकात के तहत जाइएगा, हुसैन की मजलिस में जब जाइए तो खुदा की खातिर जाइए। इसे मिजाज बनाए, इसे मिजाज बनाए। जाकिरीन जिक्र करें तो इखलास के साथ, उसमें ये शुभा ये शायबा शामिल ना हो के हमें मजमे से दाद कितनी मिलेगी। जाकिरीन सोज खान हो, नोहा खान हो, मरसिया खान हो, खतीब हो, हमें दाद कितनी मिलेगी, किससे दाद चाहिए? मजमे से। जिक्र किसका है? जिक्र किसका है? या बाज हजरात सामेईन, अब अजीब कैफियत है, ये जुमले भी कह लेने दीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। मुहासिबा करते रहना चाहिए। उमूमन कहीं ना कहीं जाकिरीन के जहन में ये बात जरूर आ जाती है कि हमें ऐसी तकरीर करनी है कि मजमा खुश हो जाए, और मजमे में जो लोग आते हैं उनमें उमूमन ये महसूस किया जाता है कि अब वो मेंबर से कुछ सीखने के लिए नहीं तशरीफ लाते, वो समझते हैं कि उन्हें जो कुछ मालूम है पहले से वो अपनी जगह परफेक्ट है। देखें ये जाकिर पढ़ता क्या है। ये है कैफियत। देखें ये जाकिर क्या पढ़ता है, देखें ये क्या बयान करते हैं, कैसा बयान करते हैं, उसके बाद मुहाकिमा शुरू होता है। नहीं, ये तो ठीक नहीं पढ़ा, ये तो आज तक हमने सुना नहीं था, ये कैसे पढ़ दिया। बस इसके आगे और जितने और जिस किस्म के जुमले होते हैं मैं दोहराना नहीं चाहता। खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि हुक्म परवरदिगार से सबसे बड़े मुअल्लिम इंसानियत और मुरब्बी बशरियत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ी मुस्तकिल और पायदार और लाजवाल एक सकाफती विरसा छोड़ा है वो ये मिंबर है।
ये मेंबर जो हर मस्जिद में पाया जाता है, इस मेंबर को मेंबरे रसूल कहते हैं ना। मेंबरे रसूल तो वो था जो हुजूर ने बनवाया था और उस पर खुद खुतबा इरशाद फरमाते थे। तो ये तो मेंबरे रसूल नहीं है, जो मस्जिदों में है वो तो मेंबरे रसूल नहीं है। फिर ये क्या है? ये उस मेंबरे रसूल की शबीह है। जो लोग शबीहों को बर्दाश्त नहीं करते उनसे जाके कहिए कि हर मस्जिद में एक शबीह रखी है। हर मस्जिद में एक शबीह मौजूद है। ये शबीह है मिंबर पैगंबर है। मस्जिद में भी मिंबर बनवाया हुजूर ने, और सहरा में कयाम किया तो वहां भी मिंबर बनवाया। कुछ और नहीं बनवाया, क्या बनवाया? मिंबर। इसके मानी है, याद रखो वहशियों, दीवानों, जाहिलों, नादानों, इंसानों, अगर तुम्हें वीरानों को तहजीब की आमाजगाह बनाना है तो मिंबर का सहारा लेना पड़ेगा। सहरा में मिंबर बनवाया है पैगंबर। सहरा में मिंबर, और फरमा रहे हमारे पैगंबर। तो ये मिंबर, इसे अपना महकूम ना बनाइए, खुद को इसके महकूम बनिए। आप मिंबर के बयानात इस नुक्ते नजर से न सुनने के लिए तशरीफ लाया करें या ले जाया करें कहीं भी, कि आप डिक्टेट करेंगे और पढ़ने वाला आपकी मर्जी के मुताबिक पढ़ेगा। आप इस इरादे से जाए, इस खुजू के साथ, इस खुशू के साथ, ये काबिलियत पैदा करके। काबिलियत के मानी क्या है समझ रहे हैं आप? उर्दू में आम जो मुहावरा है काबिलियत का, यानी आलिम होना। जो इस्तिलाह है फलसफे की काबिलियत, वो ये है कि किसी चीज के कबूल करने की सलाहियत होना। काबिल इसमें फाइल है, काबिल यानी कबूल करने वाला। तो काबिलियत लेकर जाएं, इस्तेदाद लेकर जाएं कि जो वहां से सालिह पैगाम मिलेगा वो हम कबूल करेंगे। नहीं ये कि हम आज जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए, देखें ये जाकिर कैसा पढ़ता है, वो जाकिर कैसा पढ़ता है, वो आलिम कैसा पढ़ता है। जाहिर है सब मासूम नहीं है, गैर मासूम है। जहां तक उनकी जबान से मासूम का पैगाम मिल जाए कबूल कर लीजिए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। तो ये मजलिसों में शिरकत भी, मजलिसों में बयान भी, और शिरकत भी इखलास के साथ। अगर ये इखलास के साथ होगा तो ये भी जुज़ नुसुक है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी सलात, मेरी तमाम इबादतें और मेरी कुर्बानी और मेरी पूरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के। अजब मकाम है, अजब मकाम है। ये आयत अपना मतमह नजर बना लीजिए, हर वक्त ये कलिमात कुरान मजीद के आपकी आंखों के सामने रहे और ये आवाज वही आपके कानों में गूंजती रहे, बल्कि गोशे दिल में गूंजती रहे। हमें जो कुछ करना है उस परवरदिगार के लिए करना है, क्योंकि वो खालिक है हमारा। कल एक बहस इल्मी छिड़ गई थी, और बस बहसें छेड़ तो देता हूं मैं, लेकिन वक्त की महदूदियत है इसलिए मुकम्मल नहीं हो पाती हैं अक्सर। सिर्फ जस्तजू बेदार जरूर हो जाती होगी कि यहां पर इसी आयत के जिम्न में मुफस्सरीन ने और कलामी और हकीमाना जौक रखने वालों ने, यानी जिनका फिलोसफिकल टेस्ट है, उन्होंने इसके जिम्न में ये बहस छेड़ दी कि इंसान मुख्तार है या मजबूर। हम अपने तमाम आमाल अपने इख्तियार से बजा लाते हैं, अपने तमाम अफ़ाल अपने इख्तियार से बजा लाते हैं या मजबूर हैं।
और जो कुछ भी हम बजा लाते हैं ये फेल जो हम अंजाम देते हैं, कोई भी फेल, ये फेल हमारा है या दरअसल ये तखलीक है बारी ताला की। अब जाहिर है कि जिन हजरात ने भी एक सलावत पढ़ते हुए आगे तशरीफ लिया, सलावत पढ़ते हुए कुछ मेंबर से करीब आ जाए, देखिए मैं कई मरतबा मिंबर से बहस कर चुका हूँ निस्बतन महवरी मौजू बनाकर भी, और मसला है मैं चूंकि कोई फलसफी हो या ना हो, हर फर्द बशर के दिलो दिमाग में जबर इख्तियार की बहस मुसलसल चलती रहती है, कोई उसे एक्सप्रेस ना कर सके, बयान ना कर सके क्योंकि बयान की कुव्वत नहीं है, मगर दिल में और दिमाग में ये सवालात जरूर होते हैं। एक मजदूर मजदूरी कर रहा है और कभी कभी वो पूछ लेता है, कोई मिलता है, मुझसे भी पूछा है लोगों ने, मौलाना आखिर परवरदिगार ने हमें ऐसी जिंदगी क्यों अता की, वो गिला है शिकवा है। खेत में मजदूरी करने वाला भी फिलोसोफर नहीं है, मगर वो ये सोचता रहता है कि मैं क्या हूं, ये सब क्यों कर रहा हूं, मैं मजबूर हूं या मुख्तार हूं। तो ये सवाल हर दिल और हर दिमाग से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो दुनिया के फलासफा हैं उनमें से बेशतर वो हैं जो इंसान को मजबूर समझते हैं, गैर्स कर दूं मैं, और दुनिया के जो फलासफा हैं, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, इनका मालूम है अप्रोच क्या है, कुछ तो बेशतर इंसान को मजबूर समझते हैं, और वो इंटेलेक्चुअल्स, वो फिलोसोफर्स जो किसी ना किसी पॉलिटिकल सिस्टम के भी वफादार होते हैं, वो इंसान को न सिर्फ ये कि मजबूर समझते हैं बल्कि मजबूर बनाते भी हैं, मजबूर बनाते भी हैं। बस इस छोटे से फकरे में बहुत बड़ी बात गुजारिश कर दी मैंने, इससे ज्यादा जाहिर है पॉलिटिक्स मेरा मैदान नहीं है, लेकिन जो जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं, मजबूर समझते हैं और मजबूर बनाते हैं, और खुदा की कसम ये खुदा के फरिश्तादा पैगंबर होते हैं, नबी होते हैं, अल्लाह के औलिया होते हैं जो मजबूर इंसानों में भी इख्तियार की रूह भर देते हैं। मजबूर इंसानों में भी इख्तियार की रूह भर देते हैं, इसलिए इस आयत के ज़िम्न में ये तसव्वुर न फरमाएं कि अल्लाह फरमा रहा है ए नबी आप ये कह दीजिए कि हमारे सारे अफ़ाल दरअसल अल्लाह की तख्लीक हैं, अल्लाह ये फरमा रहा है कि ए नबी आप ये पैगाम दीजिए कि हमने तुम्हें इख्तियार दिया है, अब तुम अपने इरादे से अपनी सलात हमारी नजर करो, अपने नुसुख हमारी नजर करो, अपनी जिंदगी हमारे लिए मखसूस करो, अपनी मौत हमारे लिए मखसूस करो। जबर नहीं, इख्तियार। हाँ ये जरूर है वो रब है, रब, रब सिर्फ खालिक नहीं है, रब भी है। तरबियत के अंदाज मालूम है, ये मिसाल मैं इससे पहले भी शायद दो एक मरतबा दे चुका हूं, बच्चों की तरबियत में हमने अपने बुजुर्गों को तो ये देखा था कि अखलाकी सिफतें पैदा करने के लिए इंसान में बड़ी हद तक खुदगर्जी पाई जाती है, खुदगर्जी और खुदपरस्ती पाई जाती है सब में कमोबेश, और इस दुनिया में हमें भेजा ही इसलिए जाता है ताकि हम
खुद परस्ती और खुद गर्जी के दायरों से निकल कर खुदा परस्ती और खुदा तलबी तक पहुंच सके। ये मश्क और रियाज, ये सफर तय करना है, ये कल्ब माहियत होनी है। तो बहरहाल जो असातिज़ा थे और जो घर के बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, बच्चों में अखलाकी खूबियां शुरू से इनकल्केट करते थे, तुखमरेजी करते थे, बीज बोते थे, बीज बोते थे। कैसे? अब बच्चा है, जो चीज उसे नजर आती है वो समेट लेता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अब वो क्या करते थे, बाहर से वो चीज लाए, मिठाई फर्ज कीजिए ले आए और बच्चे को दी, और उसके बाद खुद ही तरह तरह से बच्चे बन के मुंह खोल के कभी कभी, बेटा हमें भी तो खिलाओ। सुभानअल्लाह, आप बड़े, आपने ला के दिया और फिर आप उसी बच्चे से कह रहे हमें भी खिलाओ। ये मकसद क्या है? मकसद ये है कि सिर्फ लेने की आदत ना पड़े, देने की भी आदत पड़ जाए। बेटा भाई को दो, बहन को दो, दूसरे बच्चों को दो, लाओ हमें खिलाओ। खुद ही ला के दिया है और खुद ही फिर बच्चे के हाथ से खा रहे। बच्चे बन के बड़े बच्चों को इस तरह बड़ा बनाते थे। अखलाकी तरबियत, अखलाकी तरबियत। तो ये जो तरबियत का अंदाज हमें सिखाया गया, इससे मिलता जुलता परवरदिगार का अंदाज है। जिंदगी देता है फिर कहता है अपनी जिंदगी हमारी नजर का। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। हमें जिंदगी किसने दी है? वाह वाह वाह, किसने दी है ये जिंदगी? ये वजूद किसने अता किया है? वाह वाह वाह, किसने दी है जिंदगी? वाह वाह, साइंसदानों ने? सुभान, किस बाजार में बिकती है जिंदगी? सुभान अल्लाह, किस दुकान से लाए हैं आप जिंदगी? सुभान अल्लाह, उसी ने जिंदगी अता की है और वही तालीम दे रहा है कि हमने जो जिंदगी अता की है अब हमें वापस दो। हमने बेतलब दी थी तुम्हें, क्या बात, और अब हम तलब इसलिए कर रहे हैं कि तुमको जिंदगी के साथ इख्तियार भी दिया है, अब तुम अपने इख्तियार से हमें अता करो। अपने इख्तियार से दो, अपने शौक से दो, अपने इरादे से दो, अपनी मर्जी से दो। और यही सबसे बड़ी इंसान की आजमाइश है। और यही दो तरह के इंसान हमें मिलते हैं, कुछ वो इंसान है, कुछ वो इंसान है जो इस लताफत को, इस जराफत को, इस नजाकत को, इस दकीक नुक्ते को नहीं समझ पाते और अपनी खुद गर्जी या खुद परस्ती या दुनिया परस्ती या दुनिया तलबी में गर्क रहते हैं, और कुछ वो हैं जो इस नुक्ते को समझ जाते हैं, तो फिर उनका अंदाज इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है कि वो खुद गवाही देता है कि तुम तो उस मंजिल पर आ गए हो कि वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम कुछ सोचते भी नहीं हो मगर वही सोचते हो, वही चाहते हो जो मैं चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह है ऐसे। अब देखिए ये हर मंजिल जो है बहुत तफसील तलब है, बहुत वक्त चाहिए बयान के लिए, मगर मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि ये जो फजाए मजलिस है ये बड़ी पुरबरकत होती है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये फजाए मजलिस, ये फर्श अज़ा, ये मिंबर और ये फजा इतनी पुरबरकत होती है कि बहुत से दकीक तरीन इल्मी नुक्ते जो हौज़े इल्मिया में, मदरसों में, यूनिवर्सिटीज में समझने और समझाने में न जाने कितना वक्त सर्फ होता है, वो यहाँ चंद लम्हों में आप तक मुंतकिल हो जाती है। चंद लम्हों में मुंतकिल हो जाती हैं बातें। बहरहाल मैं अक्सर जहाँ इख्तियार और जबर की बहस छिड़ जाती है तो मुझे ये शेर पसंद बहुत है, मैं कई मरतबा मेंबर से दोहरा चुका हूँ, फिर आज दोहरा रहा हूँ। हरचंद के जनाबे मौलाना
शेख इमाम बख्श नासिख लखनवी को जबान का शायर समझा जाता है, मगर ऐसा हकीमाना शेर कहा है कि इस पर न जाने कितनी तवील हकीमाना और फलसफियाना नज़में कुर्बान की जा सकती हैं। इसमें शेरी हुस्न भी है, जबान का हुस्न भी है और मजमून मुकम्मल है। दो मिसरों में कोई 200 सफ़े का मजमून समेट के रख दिया है। वो फरमाते हैं कि चला आदम से मैं जबरन, अब ये जरूर मेरी तरफ से जबर है आप पर। क्या आप लंदन में हैं और मैं लखनऊ के दबिस्तान लखनऊ के बानी का शेर आपको सुना रहा हूं, नासिख जैसे उस्ताद का। बहरहाल तो फरमा गए हैं कि चला आदम से मैं जबरन तो बोल उठी तकदीर, चला आदम से मैं जबरन तो बोल उठी तकदीर, बला में पड़ने को कुछ इख्तियार लेता जा। वाकई उर्दू शायरी में, पूरी उर्दू शायरी में मौजू ए जबर इख्तियार पर यह शेर बेनजीर है। हालांकि दूसरे लतीफाना अंदाज से बहुत से शुआरा ने जबर इख्तियार पर, बल्कि जबर इख्तियार का मजमून तो बहुत ही मुब्तज़ल मजमून है, पामाल मजमून है। कोई शायर ऐसा नहीं है कि जिसके यहाँ जबर इख्तियार का मजमून ना हो। अरे भाई वो भी जबर इख्तियार ही तो है। लाई हयात आए अजा ले चली चले, हैं अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ये क्या है? जबर का एतराफ है, गिला है, शिकवा है, क्या हम अपनी खुशी से थोड़ी आए हैं? तो अक्सर शुआरा के हाँ जबर का मजमून मौजूद है, मगर शेख इमाम बख्श नासिख काबिल दाद है कि उन्होंने दो मिसरों में मुकम्मल बात कही और ऐसे हुस्न से कही है कि इस मजमून के अगर फलसफियाना नुक्ता नजर से भी आप मकाला लिखें जबर इख्तियार पर, तो जो कलीदी अल्फाज हैं वो सब मौजूद हैं यहाँ। तकदीर, जबर, इख्तियार, बला। बला किस मायना में? अरबी में बला कहते हैं सिर्फ मुसीबत को नहीं, आजमाइश को। आजमाना इब्तिला यानी आजमाइश, वाज़े है, इब्तिला यानी आजमाइश। तो बला में पढ़ने को यानी आजमाइश में पढ़ने को। और हमारे यहां फिर चला ये फेल, अब मैं तो जिस अंदाज से तज़िया करता हूं तो ये चला फेल लाजिम है कि मुतअद्दी, और फेल बहैसियत फेल इख्तियार पे दलालत करता है या जबर पर, कितनी बहसें हैं। तो अगर खालिस लिसानी नुक्ते नजर से तज़िया किया जाए तो किस कदर तवील बहस होगी, लेकिन बहरहाल इसमें एक पैगाम है कि चला आदम से मैं जबरन तो बोल उठी तकदीर, बला में पौने को कुछ इख्तियार लेता जा। इख्तियार दिया गया है हमें, इख्तियार है, कुछ इख्तियार है, इस इख्तियार का कोई इनकार नहीं कर सकता। जब भी कोई इंसान, देखिए जब जो भी जबर का कायल हो वो एक बात याद रखे कि हर इंसान की कैफियत यह है कि इंसान जब कुछ अमल अंजाम देना चाहता है, कोई कदम उठाना चाहता है, तो सोचता है कि मैं उठाऊं या ना उठाऊं। सही, सही। और जब कहीं जाकर कामयाब होता है या नाकाम होता है, अगर कामयाब होता है तो मसर्रत का एहसास करता है, दूसरों से तहसीन तलब करता है, इसलिए कि मैंने क्या अच्छा काम अंजाम दिया। और जब कहीं नाकामी होती है तो मुहासिबा करता है कि मैं, मुझसे कहीं गलती जरूर हो गई। इंसान फितरी तौर पर, विजदानी तौर पर महसूस करता है कि वो मुख्तार है, वो साहिब इख्तियार है, यानी कि वो मजबूर महज है, ऐसा कुछ नहीं है। एक हद जरूर है, बस वही हद है जो मुमकिन की हद होती है। बहुत दकीक बहस हो जाएगी अब, वाजिब और मुमकिन, मुमकिन और वाजिब, वो सरहदें अपनी जगह है। और इससे भी जरा खुलकर एक शायर अहले बैत ने चार मिसरों में फलसफे जबर इख्तियार को जो बयान किया है वो भी आपके लिए पैगाम है। हिम्मत ना हारिएगा, हौसला बुलंद रखिएगा,
दुनिया आपको मजबूर समझती है और मजबूर जितना समझती है उससे ज्यादा मजबूर बनाने की कोशिश करती है। आप अपने इख्तियार का मुजाहिरा कीजिए। एक शायरे अहले बैत ने ये चार मिसरे कहे हैं कि हर चंद के जबर खश्ते बुनियादी है, हर चंद के जबर खिश्ते बुनियादी है, कुदरत ने मगर राह भी दिखला दी है। उठे तो दो आलम को मुसख्खर कर ले, इतनी हद जंजीर में आजादी है। उठने की हिम्मत रहे, हौसला बुलंद रहे, हिम्मत ना हारे, हौसला पस्त ना हो। और बस एक जुमले में गुफ्तगू को महवरी मौजू से जोड़ दूं, इतने फलसफियाना मबाहिस के इशारे काफी हैं, अब इससे ज्यादा थोड़ी। कल मैं अर्ज कर रहा था कि जितने जबर के हुदूद और हिसार हो सकते हैं सब आका हुसैन ने तोड़े। और आज एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं जो कल मसायब में तिश्ना रह गई थी गुफ्तगू। अमूमन चार मुहर्रम को लोग हुर के मसायब पढ़ते हैं, हुर का तस्करा सुनते हैं। मैंने अली इब्ने हुर का बयान किया था, मैं इस वक्त मसायब अभी नहीं गुजारिश करना चाह रहा हूं, चंद लम्हे और आपके लेना चाहूंगा बयान फजाइल के बाब में। लेकिन याद रखिए, हुसैन वो परवरदिगार इख्तियार है जिसने हुर नामी मजबूर को मुख्तार बना दिया। कल मैंने नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या जो फरमा रहे हैं आप। बहस कहां तक पहुंची? अगर बहस सिर्फ सरकार सैयदुश्शुहदा तक रहे तो आप कहेंगे हुसैन नूरे मुजस्सम, हुसैन नूरे किबरिया, हुसैन फरजंदे जहरा, हुसैन फरजंदे मुस्तफा, हुसैन फरजंदे अली, हुसैन मासूम, हुसैन हुज्जत खुदा, हुसैन इमाम बरहक। हम हुसैन तो नहीं बन सकते। यजीद हो वक्त का हुक्मरान, ताहूतियत का परचम बुलंद हो रहा हो, दुनिया में हर तरह से जुल्म और जबर और सितम हो रहा हो, तो हमारे अंदर मुमकिन नहीं है कि हम हुसैन जैसा इकदाम कर सकें और हम दुनिया को छोड़ के आखिरत कबूल कर सकें। अगर बात सिर्फ हुसैन तक रहती तो उज्र मौजूद था, हुसैन ने हुर को कैसा बाख्तियार बना दिया। हम पर और आप पर हुर ने हुज्जत तमाम कर दी। सही। और हुर की तरबियत किसने की? हुसैन इब्ने अली। हाँ ये जरूर है, ये जरूर है, यही इसी को तो कहते हैं मौजजा। आप अजब अंदाज के मौजजात सुनना चाहते हैं? एक इंसान पैदा कहीं हुआ, किसी की आगोश में तरबियत पाई, किसी दूर दराज शहर में रहा और जनाब वाला किसी का मुलाजिम है, जाहिर सिस्टम का हिस्सा था ना, उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था, उस वक्त के सिस्टम का हिस्सा था। हुर सरकार अबू अब्दुल्ला कहां है मदीने में, हुर कहां है कूफे में। जो उधर के आने वाले इंसानों की तरबियत करने वाले होते हैं और जब वो इरादा कर लें किसी की तरबियत का तो एक घूंट पानी पिला के किस्मत बदल देते हैं। या चंद जुमले गुफ्तगू करके, ये हम है कि हमें किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए या किसी बड़े को पढ़ाने के लिए वक्त चाहिए। हाँ चाहिए, आम इंसान को वक्त चाहिए पढ़ने के लिए भी पढ़ाने के लिए भी। शजर इल्म यूं ही शजर सायदार नहीं बनता, इल्म के लिए वक्त भी जरूरी है, किसी इल्म में कमाल और महारत के दर्जे तक पहुंचने के लिए। कभी ये ना सोचिएगा कि रात भर में अल्लामा हो जाएंगे,
नहीं, बहुत बड़ी गलती होगी, होना चाहिए। हम वक्त बसर करना होता है, किसी भी इल्म में दर्जे महारत और दर्जे कमाल तक पहुंचने के लिए वक्त चाहिए। खुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो वसलाम, इरशादात में ये मौजूद है कि देखो अगर तुम्हें इल्म हासिल करना है तो वक्त दो, वक्त उम्र नजर करो। तो ये हमारे लिए है, मगर अगर वो किसी की किस्मत बदलना चाहें, वो तरबियत करना चाहें, तो या तो एक घूंट पानी पिला के शख्सियत बदल जाती है, या चंद फकरे गुफ्तगू करके, जिसकी मिसाल जुहैर कैन है। हजरत जुहैर मशहूर यह है, अब ये फकरा जो है किताब तारीख तबरी उठा के देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि जुहैर कैन शियाया ने उस्मान में से समझे जाते थे, उस्मानी समझे जाते थे, यानी गोया शियाया ने अली इब्न अबी तालिब में से नहीं थे, या शियाया ने अली इब्न अबी तालिब में शुमार नहीं होते थे, और वो कूफे में रहते थे। और बाज रिवायतों में ये है कि दरअसल जुहैर को मक्के भेजा था उसी सिस्टम ने, और वो मक्के से जब सरकार से ये जो शहदा निकले हैं तो जल्दी से हज तमाम करके जुहैर सरकारे सैयद शुहदा के काफिले के पीछे पीछे चलते रहे, और जहां जनाब सैयद शुहदा अपना खैमा बर्पा करते थे उससे थोड़े फासले पे अपना खैमा बर्पा करते थे, वो एक तरह की निगरानी फरमा रहे थे, निगरानी कर रहे थे जुहैर। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि आका अबू अब्दुल्ला ने अपना खादिम भेज दिया, क्या जुहैर से कहो हुसैन मिलना चाहते हैं। और अब जब जुहैर गए तो बस एक मुलाकात ही तो थी, चंद जुमले, क्या कहा हजरत ने और क्या सुना जुहैर ने, या मैं क्या अर्ज करूं कि अजब नहीं कि जनाब सैयद शुहदा अलैहि सलातो सलाम ने गुफ्तगू के साथ साथ कुछ मनाजिर भी दिखा दिए हों, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये बातें भी दूसरों की समझ में नहीं आती हैं तो उनकी मजबूरी है, वरना सरकार सैयद शुहदा का भी जब्त कीजिएगा। अभी चंद जुमले अर्ज करूंगा मैं, सरकार सैयद शुहदा का तसर्रुफ बहैसियत इमाम, उनका इख्तियार, उनका तसर्रुफ कितना था, मजबूर थे या मुख्तार, मुख्तार और कैसे मुख्तार कि जब जनाबे उम्मे सलमा से रुख्सत हो रहे थे, अभी भी उम्मे सलमा ने कहा कि बेटे हुसैन तुम करबला ना जाओ, तुम कूफे ना जाओ, इराक ना जाओ, तो आपने फरमाया कि ये जनाबे बीवी उम्मे सलमा वो बुजुर्गवार खातून है जिन्हें हजरत इमाम हुसैन या उम्मा कह के खिताब करते हैं, ए मादरे गिरामी। तो आपने फरमाया कि मादरे गिरामी आप समझती हैं कि मुझे मालूम नहीं है जो नाना ने आपसे बातें कही हैं। और फिर आपने रहने में पूरे जुमले नहीं दोहरा रहा हूं, वरना की सदाएं गिरिया बुलंद हो जाएगी। सिर्फ मुअज्जज़े का जो पहलू है वो ये कि आपने इशारा किया और तमाम जमीनें बस्त हुई, जमीनें करबला बुलंद हुई, आपने हाथ बढ़ाया, एक मुट्ठी खाक उठाई और जनाब बीबी उम्मे सलेमा को ये कहकर दिया कि ये खाक उस खाक के साथ रख लीजिए जो नाना देकर गए। ये मुअज्जज़ा है ना। तो जो आका हुसैन जनाबे उम्मे सलमा को ये मनाजिर दिखा सकते हैं, उन्होंने जुहैर को क्या दिखाया हमें नहीं मालूम। लेकिन बस है मुलाकात एक है, एक मुख्तसर सी मुलाकात,
और जुहैर की शख्सियत बदल गई। एक मुख्तसर सी गुफ्तगू और हुर की शख्सियत बदल गई। तवज्जो है, अगर मासूम अपने इरादे कुन फयकूनी से काम ले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर वही हर कदम पर सोच रहा हूं कि मैंने क्या कह दिया, और खुदा मालूम कौन क्या समझेगा और कितना समझेगा और कितना एतराज करेगा। ये देखिए खुला हुआ शिर्क, कुन फयकूनी का इरादा तो खुदा के लिए मखसूस है, हैं? किसने कहा खुदा के लिए मखसूस है? खुदा ने अपनी कोई चीज अपने लिए मखसूस रखी नहीं है, अपने खास बंदों को अता कर देता है। खुदा नऊज़ु बिल्लाह, खाकम बदहन, खाकम बदहन, नकल कुफर कुफर नवाशद, खुदा कोई बखील है? खुदा मजबूर है, खुदा फकीर है, खुदा गनी है, गनी अलल इतलाक, खुदा जवाद है, सखी है, करीम है, अता करने वाला है, और कोई चीज उसकी अजमत और उसकी बुलंदी यही है कि वो मखलूक की किसी सिफत और खसूसियत का मोहताज नहीं है और अपनी जाती कोई सिफत अपने लिए बचा के नहीं रखता, अता करता चला जाता। हाँ, दामने तलब होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। क्या बात है, क्या काबिलियत, कौन सी काबिलियत? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, कबूल करने की सलाहियत, जो उधर से अता हो वो हम कबूल कर सकें, वो काबिलियत नहीं जो अता को रोक दे कि जनाब आप ही नहीं मैं भी काबिल हूं, वो काबिलियत नहीं। कबूल करने की सलाहियत, वो सब अता करता चला जाता है। जो कुछ आपके पास है किसकी अता है, और जो किसी के पास है वो किसकी अता है? आदम को इल्म किसने दिया, मूसा को हैबत किसने दी, इब्राहिम को खुल्लत किसने दी, जिसको जो कुछ मिला उसी का अता करता है। हजरत सरवर कायनात मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर अव्वल है, खल्क अव्वल है, तायुन अव्वल है। हकीकत मुहम्मदिया के कुन्ह तक हम नहीं पहुंच सकते, मगर वो है मखलूक और मरबूब, अल्लाह ने खल्क किया है, ये खल्क हुए हैं, और जो कुछ इनके पास है उसी की आता है, उसी की आता है, परवरदिगार की आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आता है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, क्या क्या कमालात थे अमीरुल मोमिनीन में, क्या क्या कमालात थे। अब मैं कहूं तो आप कहेंगे कि आप अकीदत में कह रहे हैं, इरादतमंदी में कह रहे हैं, और हुजूर अगर गवाही दें, हुजूर का इरशाद है कि जो आदम को उनके इल्म के साथ, नूह को उनकी अजमतों के साथ, मूसा को उनकी हैबत के साथ, ईसा को उनके जुहद के साथ, खलील खुदा को उनकी खुल्लत के साथ देखना चाहे, वो अली इब्न अबी तालिब को देखे। किसकी गवाही है ये? मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल उठा के देख लीजिएगा, या और दूसरे उलमा की किताबें देख लीजिएगा। मैं नहीं अर्ज कर रहा हूं, पैगंबर ने फरमाया है, जो आदम ता ईसा तमाम अंबिया को देखना चाहे उनके कमालात के साथ, उनके मुअजजात के साथ, वो अली इब्न अबी तालिब को देख ले। ये सब अली इब्न अबी तालिब में मुअजजात और कमालात और फजाइल थे, मगर अता किसने किया था? खुदा ने। ये और बात है कि उन्होंने इस आयत की रोशनी में इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, जो कुछ उधर से मिला था इस शान के साथ अता किया है, इस शान के साथ नजर मौला किया है कि पैगंबर से पूछा जाता था अली के पांव में तीर पैवस्त है और बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। सलाती सलाती सलाती, मकाम देखिएगा,
अली की नमाज का अली के पांव में तीर पैवस्त है, निकाला नहीं जा रहा है। कहा ठहर जाओ, जब अली तकबीरतुल इहराम कहे नमाज में मशगूल हो जाए तो तीर निकाल लेना, अली को खबर भी नहीं होगी। नमाज से लेकर और तमाम जिंदगी के मनासिक, अब मैं मनासिक हज नहीं कह रहा हूं, मनासिक हयात अली, तमाम अमाल, तमाम खिदमतें किस शान से नजरे मौला की हैं। नमाज में तो खैर बहुत से और लोग होश व हवास जमा करके खुदा के सामने खुजू व खुशू का मुजाहिरा कर लेते हैं, सबसे ज्यादा जहां हवास गुम रहते हैं वो मैदान जाने। अली वो है कि मुसल्ला इबादत महराब नमाज से लेकर और मैदान जंग तक यकसाल लहियत की शान है अली में। नमाज पढ़ते हैं तो इस शान से कि जहां अपनी जात की खबर नहीं होती, अपने जिस्म से बेखबर, अपने जसद से बेपरवा, हक सुभानहु व तआला के तसव्वुर में मुस्तग़रक, फना फिल्लाह किसी फना फिल्लाह और बका बिल्लाह की इस्तिलाहें तसव्वुफ की किताबों में लिखना आसान है, पैकर में ढाल के अली ने दिखाया। तसव्वुफ के लिटरेचर हमने देखे, फना फिल्लाह बका बिल्लाह, फना फिल्लाह बका बिल्लाह, देखना है फना फिल्लाह क्या होता है, बका बिल्लाह क्या होता है, अली को नमाज में देखो। सुभान अल्लाह। नमाज ही नहीं, मैदान जंग में चलो। अभी आजकल तो घर घर मौलाना रूम का तस्करा आम हो गया है, रूमी और रूमी के बहाने से पता नहीं कैसी तालीमात आप तक पहुंच रही हैं, हैं? और जब से यूनेस्को ने मौलाना रूम पर पूरा साल मनाया था और उसके बाद एक खास मंसूबा है कि तसव्वुफ और रूम, मौलाना रूम के हवाले से इस कौम के बच्चों को एक खास अंदाज पर ढाला जाए, लेकिन इन्हीं मौलाना रूम को पढ़िए, मौलाना रूम ने खास कैफियत के साथ इस वाक़े को नकल किया है। जंग खंदक में अली इब्न अबी तालिब जब तशरीफ ले गए, अब ये बहरहाल मैं उमूमन जंगें कम पढ़ता हूँ और जंग पढ़ने का वक्त बिल्कुल नहीं रह गया, लेकिन बस माहौल का हवाला दे दूँ, जहन ताज़ा हो जाए आपका। जंग में यूं ही इंसान में गैज़ो गज़ब होता है, लेकिन जब माहौल ऐसा हो कि गुस्से में और इजाफा हो जाए तो फिर इंसान कुछ नहीं सोचता, बस ये सोचता है कि हमें दुश्मन को कत्ल करना है। याद है मेरी शुजात की तारीफ गालिबन पहली मजलिस में की थी, पहली या दूसरी मजलिस में, शेर शुजा नहीं होता, ये इंसान है जो शुजा होता है। शेर दरिंदा होता है, शेर के सामने जो आता है वो चीर फाड़ के रख देता है, ये इंसान है जो दुश्मन के सामने उठी हुई तलवार को भी रोक लेता है। तलवार बे इख्तियार मार देना शजाअत का कमाल नहीं है, तलवार को रोक लेना शजाअत का कमाल है। याद है ना, और वो भी किस किस अंदाज में, किस कहां का लोग उमूमन, माफ फरमाइएगा मैं ये जुमला कह रहा हूँ आका अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अजमतों के पेश नजर, वरना किसी की तौहीन मकसूद नहीं है, उमूमन लोग शुजाअत अमीरुल मोमिनीन का जो बयान करते हैं वो निहायत सथी और नाकिस, इसलिए कि सिर्फ वो मनाजिर दिखाते हैं जहां जहां अली ने तलवार चलाई है। ये तो शुजाअत का इब्तदाई मुजाहिरा होता है, वो मनाजिर दिखाओ जहां जहां अली ने तलवार रोकी है। क्या बात, माशाल्लाह।
तलवार रुक जाए क्या इंसान होगा, क्या खुद बे अख्तियार होगा और क्या आलम बे अख्तियार होगा, क्या शुजात होगी, क्या कुदरत होगी, क्या हौसला होगा, क्या सब्र होगा कि मैदान जंग में इंसान तलवार रोक ले। ये एक दो मनाजिर थोड़ी है, कई मनाजिर हैं, कई मनाजिर हैं। लेकिन इस वक्त बहरहाल अब वक्त बहुत कम है, इसलिए सिर्फ यही बयान मुकम्मल कर दो कि जंग खंदक में जो मौलाना रूम ने बहुत लुत्फ के साथ बहुत कैफियत के साथ बयान किया है, जंग खंदक में अम्र इब्ने अब्देवद को जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जेर किया और चाहते थे कि सर कलम करें, तो उसने गुस्ताखी कुछ ऐसी की कि आपने छोड़ दिया और पीछे हटाए। अब इसे क्या कहेंगे, सब्र, शुजात, या ये सारे अल्फाज छोटे हो जाते हैं। अली का एक अमल इतना बड़ा हो जाता है, अली का ये अमल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि दुनिया की डिक्शनरियों में इसको पेश करने के लिए अल्फाज मौजूद नहीं है। जब हम ये महसूस कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन का ये एक अमल, ये एक अदा इस कदर अजीम है कि इसकी ताबीर के लिए, इसके बयान करने के लिए लुगत में अल्फाज नहीं है, तब तो पैगंबर ने कहा था वर्बत अली यौमल खंदक अफजल मिन इबादत थकलैन, अली की एक जरबत रोज खंदक थकलैन की इबादत से बढ़कर है। सकलैन की इबादत से बढ़कर है। और कौन कह रहा है, हुजूर फरमा रहे हैं, जिसका दिल चाहे हुजूर को कह दे कि आप मुबालिगा फरमा रहे, गुलू कर रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह नस्तजीरु बिल्लाह, हुजूर का इरशाद है। बस अब ये क्यों हट गए थे पीछे, क्यों हट गए थे, इन्ना सलाती वन्नुसुकी वमहयाया वममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज उसी के लिए, मेरे तमाम अमाल उसी के लिए, मेरी तमाम इबादतें उसके लिए, मेरी कुर्बानियां उसके लिए, मेरी जिंदगी उसके लिए, तो मेरी जंग भी उसके लिए, मेरी सुलह भी उसके लिए, मैं तेरा सर कलम करूंगा तो सिर्फ बखातिर खुदा, अगर मेरा गुस्सा शामिल हो जाएगा तो तलवार रोक लूंगा। तो अब देखिए कि ये दो आयतें कुरान मजीद की जो आपके सामने मुसलसल पढ़ रहा हूँ, ये क्या तर्जमा पढ़ के समझ में आ जाएगा, ये तफसीरें समझ में, सब चीजें तफसीरों का मुताला करके बात समझ में आ जाएगी। जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद, अली और आले अली, हुसैन और आले हुसैन, फातिमा और आले फातिमा, अबू तालिब और आले अबू तालिब, जब तक इनके ये ताबनाक चेहरे और ये ताबनाक सीरतें सामने ना हो, उस वक्त तक बात समझ में नहीं आएगी कि किस तरह पूरी जिंदगी नजर मौला की जाती है और किस तरह मौत नजर मौला की जाती है। बस गुफ्तगू तमाम। आज 5 मुहर्रम है, सरकार सैयद शुहदा का मरतबा तो जाहिर बहुत बड़ा मरतबा है। आप समझते हैं कि ये जो सादा सी ताबीर है, जब कोई ताबीर मुसलसल सुनते रहें और दोहराते रहें तो उसकी जो हकीकी मानवियत है उसकी तरफ से तवज्जो हट जाती है। तो आप कहते हैं खामिस आले अबा पंजतन पाक, उनमें की 5वीं हस्ती सरकार सैयद शुहदा, इस पूरी कायनात में 5वां मर्तबा सैयद शुहदा का, पूरी कायनात हस्ती में बादस खुदा बुजुर्ग तो ही
किस्सा मुख्तसर कौन है? मुस्तफा। बच्चों की तरह सबक दोहराने, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद किसका रुतबा है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। आलमीन में। और उसके बाद किसका रुतबा है? हजरत ज़हरा सलामुल्लाह। तो इसे समझें कि ये जो पंजतन पाक का तस्वर क्या है, खामिस आले बा का तस्वर क्या है। अब आप सोचें कि गालिब ने क्यों कहा था, फिर दोहराऊं, गालिब मामूली शायर है, सादा से अंदाज में क्या कह जाता है। सलाम उसे कि अगर बादशाह कहें उसको तो फिर कहें कि कुछ इससे सिवा कहें उसको, न बादशाह न सुल्तान, ये क्या सताइश है, कहो कि खाम इसे आले इबा कहें उसको। सलाम उसे कि अगर बादशाह कहें उसको तो फिर कहें कि कुछ इससे सिवा कहें उसको, न बादशाह न सुल्तान, ये क्या सताइश, कहो कि खाम से आले इबा कहें उसको। ये हुसैन खाम से आले इबा है, यानी पूरी कायनात में आलमीन में हुसैन का पांचवा रुतबा है इस फहरिस्त के साथ। हुसैन और आले हुसैन। ये करबला में जो मुंतखब अपने खानदान के अफराद को लेके आए थे और अपने असहाब को, इनमें क्या क्या मनाजिर हमें मिलते हैं कि जहाँ सब ने अपनी जिंदगियां नजरें मौला कर दी। और इसमें सबसे बड़ी बात, मर्दों के साथ आज खवातीन को खसूसियत से मैं खिताब करूँगा, खुदा शनासी पैदा करें, कलिमा पढ़ाए ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलिमा पढ़ाए ना इस्लाम का, कलिमा पढ़ाए ना ईमान का, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, पढ़ा है ना ये कलमा, तो इसका हक अदा कीजिए। खुद गर्जी नहीं, खुद परस्ती नहीं, हसद नहीं, दुनियावी मुसाबका मुकाबला नहीं, खुदा को पेश नजर रखिए। बच्चों की तरबियत इस तरह कीजिए जैसे करबला की माओ ने किया। हर माँ अपने बच्चे की सलामती चाहती है और चाहना भी चाहिए, मगर जब बात नजर मौला करने की आ जाए तो पूरी शुजात के साथ, पूरे सब्र के साथ, पूरे इस्तेकामत के साथ, यानी करबला की हर माँ अपने बच्चे को मरने के लिए तैयार कर रही थी। महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी जिंदगी भी खुदा के लिए, हमारी मौत खुदा के लिए। कोई माँ ये नहीं बता रही थी अपने बच्चे को, अपने बेटे को, बेटा देखो कल अगर जंग छिड़ जाए तो अपनी सवारी का घोड़ा तैयार रखना और जहां तक मुमकिन हो सके देखो फुला गांव करीब है या फुला कबीला करीब है या कूफा करीब है, बच के चले जाना, जिंदगी बचा ले। नहीं बेटा, कल जान देना है, कल कुर्बान होना है, आका हुसैन से हमें शर्मिंदगी ना हो और हुसैन की माँ फातिमा जहरा से हमें शर्मिंदगी ना हो। अज्रकुम अला अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सैयदुश्शुहदा के, सिवाय गमे आले इबा के, और किसी का गम आपको न रुलाए। हाँ वक्त कम होता है, मतालिब बहुत ज्यादा हैं, एक खास अंदाज से लोग मसाइब पढ़ते आए हैं और मैं खुद को भी कसूरवार समझता हूँ। इतनी उम्र हो गई, एक खास अंदाज से बस पढ़ता चला आ रहा हूँ, अभी करबला की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई है, अभी बहुत से पहलू हैं जो बयान नहीं हुए हैं, और अगर बयान करूं तो आप कहेंगे कि ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। खुदा की कसम, करबला की तारीख बहुत नाकिस लिखी गई। हुसैन और अहले बैत हुसैन और अस्हाब हुसैन के पूरे पूरे कारनामे हम तक नहीं आए हैं अभी।
और इसीलिए मैंने कहीं ये जुमला लिखा है कि तारीख इस सिलसिले रोज़ो शब की तरह जितनी तारीख है, जितनी ताबनाक है, रोशन है, उतनी ही तारीख भी है। जैसे दिन रोशन होता है और रात तारीख होती है, ऐसे ही सिलसिले रोज़ो शब की ये जो तारीख है ना, ये जितनी रोशन है उतनी ही तारीख भी है। जितना जिक्र मासूमों का हम तक पहुंच गया, बस ये रोशनी है तारीख की, बाकी तो सब तारीखी ही तारीखी है। और कितना जिक्र नहीं पहुंचा, बहुत है जो नहीं पहुंचा। एक खास तहजीब, एक खास डिसिप्लिन, जिसे पाबंद, जिसको फॉलो किया है, जिसको बरता है अस्हाब हुसैन और अहले बैत हुसैन ने। ये जंग मामूली जंग नहीं है, चंद सातों की जंग नहीं है। आप सिर्फ ये देखें कि जब तक अस्हाब जिंदा रहे, बनी हाशिम में से किसी एक फर्द तक एक तीर नहीं पहुंचने दिया अस्हाब ने। क्या अस्हाब थे, तभी तो आका हुसैन ने कहा था ना, मुझे वो अस्हाब मिले हैं ये जो ना मेरे नाना रसूल मुख्तार को मिले, ना मेरे बाबा हैदर करार को मिले, और मुझे वो अहले बैत मिले हैं कि इनसे ज्यादा बावफा हौसले रहम करने वाला कोई दुनिया में नहीं है मेरी निगाह में। यानी मेरे असहाब से ज्यादा बावफा और मेरे अहले बैत से ज्यादा सुले रहम करने वाला कोई दुनिया में मौजूद नहीं है। यह आका हुसैन की गवाही है। जब तक असहाब रहे, बनी हाशिम तक एक तीर नहीं पहुंचा। और बनी हाशिम में कौन कौन था? आले अकील, आले जाफर और आले अली। जब तक आले अकील का कोई जिंदा रहा, आले जाफर तक बारी नहीं आई। जब तक आले जाफर का एक फर्द बाकी रहा, आले अली तक बारी नहीं आई। दुनिया नहीं समझ सकती करबला क्या है, कितना बड़ा मौजजा है करबला। अब जाहिर है कि सबकी शहादतें बयान नहीं होती, और यही चंद दिन रह गए हैं, मैं मुझ में भी सकत नहीं है कि मैं सब शहादतें पढ़ सकूं। जब तक जनाब अकील इब्ने अबी तालिब की औलाद मौजूद रही, उस वक्त तक जनाब जाफर तैयार की औलाद तक बारी नहीं आई। और जब वो शहीद हो गए, यानी बनी हाशिम में से चंद शहीद हो गए, तो फिर जनाब जैनब के लाल, जाफर इब्ने अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार के बेटे, आन इब्ने अब्दुल्लाह और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ये दोनों जवान नौजवान मुहावरतन, इन्हें बच्चा कहा जाता है मुहावरतन, इसलिए कि बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप की नजर में तो बच्चे ही रहते हैं। 18 बरस का जवान या 20 बरस का जवान बच्चा कहलाता है, होता ही है माँ बाप के लिए बच्चा। लेकिन ये आन मोहम्मद दोनों जनाब कासिम से बड़े थे उम्र में। अब बिल्कुल बिताइन में उम्र तो नहीं इस वक्त मुकर्रर करना चाहता और बयान करना चाहता, वो किताबी मसला है। जनाब आन और जनाब मोहम्मद दोनों जनाब जैनब के बेटे हैं। वो इख्तलाफ जहन से निकाल दीजिए कि एक बेटा बीबी का था और एक बेटा किसी और का था, ये दोनों बेटे जैनब के बेटे हैं। और जैनब ने दोनों बेटों को मरने के लिए आमादा किया है। पहले मोहम्मद आए। अब ये वाकया, ये रिवायत शायद ना सुनी होगी आपने, तो आज सुन लीजिए। पहले मोहम्मद आए, मामू से इजाजत नहीं, मामू ने पहले इजाजत नहीं दी, मगर फिर मजबूर हुए इजाजत दी। मोहम्मद गए मैदान जंग में, रजस खानी की, खूब जिहाद किया। जिहाद करते करते एक शकी ने पीछे से आकर सर मुबारक पे वार किया। मोहम्मद जख्मी हुए,
शहीद हुए, जमीन पर आए और आवाज दी, मामू जान मेरा आखिरी सलाम। बस अब यहां पर ये रिवायत है जो अर्ज करना चाह रहा हूं, जब भी कोई सहाबी तहजीब करबला जैसी जंग में तहजीब और इमाम का रुतबा और एजन की हकीकत, जब भी कोई सहाबी या कोई अहले बैत का फर्द जाता था मैदान में, पहले इज्न लेता था फिर जाता। आका इजाजत है, आका इज्न है, तवज्जो है। मोहम्मद जनाबे जैनब के फर्जन, जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार के फर्जन मोहम्मद इजाजत लेके गए, और जब औन ने देखा कि मोहम्मद शहीद हो गए तो औन से भाई की शहादत बर्दाश्त नहीं हुई। औन मोहम्मद के कातिल के पीछे गए और एक कारी वार किया, उस कातिल को कत्ल कर दिया। उसके बाद फौरन पलट के आए, मामू के पांव पे सर रख दिया, आका मुझे माफ कीजिएगा, आपकी इजाजत के बगैर, आपकी इजाजत के बगैर मैंने एक इकदाम किया है, मुझे माफ कीजिए और आप इज्जत अता कीजिए, इजाजत दीजिए कि जाकर शहीद हो जाऊं। क्या तहजीब है, क्या तहजीब है, क्या इमाम वक्त का मर्तबा है, क्या इमामत की मारिफत है, क्या विलायत की मारिफत है। आका ने सीने से लगा के गिरिया करना शुरू किया, खूब गिरिया किया, और उसके बाद औन को भी इजाजत दी, औन मैदान में गए और फिर नए सिरे से जंग की, खूब जंग की। जंगों की तफसीलात जिन उलमा ने लिखी है वो मेरे नजदीक काबिल गौर है। अब बहुत से हजरात नहीं पढ़ते हैं वो चीजें, मगर मैं अर्ज कर रहा हूं वो काबिल गौर है। आप ये ना सोचिएगा कि उसमें कोई मुबालिगा है। खूब जंग की, कई सवार कत्ल किए, बहुत से प्यादों को कत्ल किया, प्यादे जो लड़ने आए थे, और उसके बाद औन भी शहीद हो गए। बस यहां पर मैं एक रिवायत जो मैंने सबसे पहली बार अपने बिरादर मुअज्जम परवरदिगार उनका साये आतिफत हमेशा हमेशा सलामत रखे, जो इस मरकज और इस मस्जिद के बानी हैं, जनाबे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयदुल खद्र रज़वी साहब तशरीफ फरमाए। सबसे पहले ये रिवायत मैंने उनसे सुनी थी और इसलिए आज दोहरा रहा हूँ आपके सामने कि जनाबे औन और जनाबे मोहम्मद दोनों शहीद। आका हुसैन मैदान में आए, मोहम्मद का लाशा उठाया, खैमे में लेके आए, औन का लाशा उठाया, खैमे में लेके आए। खैमे का आलम क्या है? खैमे का आलम यह है कि जब भी बनी हाशिम में से किसी का लाशा आता था तो आगे आगे ज़ैनब होती थी। ज़ैनब सबको भुक्सा देती थी, क्योंकि बीबियों में ज़ैनब का रुतबा भी बड़ा था, ज़ैनब का सिम भी बड़ा था। बीबी ज़ैनब की विलादत अहदे पैगंबर की है, बीबी का सिम भी बड़ा था, बीबी का रुतबा भी बड़ा था। बीबी सबसे पहले आती थी और सब सोगवारों को पुरसा देती थी, सबको तसल्ली देती थी, खुद सोगवार बन के मातम करती थी। और ज़ैनब तो वो है जिसने सिर्फ बनी हाशिम के शहीदों को नहीं, असहाब का मातम किया है। मगर जब औन मोहम्मद के लाशें आए तो ज़ैनब नजर नहीं आई। इसे कहते हैं नजरे मौला करना। और आका हुसैन ने क्या किया? एक तरफ औन का लाशा, एक तरफ मोहम्मद का लाशा, खुद दरमियान में लेट गए। कभी एक करवट लेते थे, बेटा
हिफाजत फरमा परवरदिगार, इनकी हाजतों को पूरा कर परवरदिगार। नाम हुसैन का सदका, नाम हुसैन का सदका, दुनिया के तमाम अज़ादारों को सरफराज कर। दुनिया से दहशतगर्दी का, बेअमनी का नामो निशान मिटा दे, अमन और आफियत की ज़िंदगी अता फरमा। अपने वली आखिर को इसने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत का परचम लहरा दे। मातम हुसैन।